टू सॉफ्टवेयर कैंपस चैनल। मैं कुंदन आपका ट्यूटर और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशन का प्रोग्राम। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्लेलिस्ट है। आई थिंक आप हमारी सारी वीडियो देखते हैं। अगर आप नए यूजर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो में आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लासेस मिलते हैं हर टॉपिक के ऊपर। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ये काफ़ी डिटेल चैनल है, आपको यहाँ पे सारी वीडियो लार्ज में मिलेगी, बड़ी वीडियो मिलेगी, हर तरह का एक्सप्लेनेशन है। तो आई थिंक अगर आप नए यूजर हैं तो हमारे वीडियो और हमारे चैनल से जुड़ जाइए और पूरा कीजिए कोर्स। किसी भी तरह का डाउट हो तो आई थिंक कमेंट करके आप अपने प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते हैं हमसे। और नए साल में आप लोगों को ये कोर्स, ये चैनल काफ़ी फ़ायदा देने वाला है, काफ़ी यूजफुल होने जा रहा है, क्योंकि हम लोग अपने चैनल पे बहुत सारे लगभग BCA के सारे कोर्सेज को लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें थ्योरेटिकल प्रोग्रामिंग और जितने भी हैं इवन BCA MCA से रिलेटेड सारी वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगी। तो कंप्लीट कंप्यूटर साइंस की कोर्स से रिलेटेड यहाँ पे आपको वीडियो और प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आई थिंक आप इंजॉय करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। जो टॉपिक है हम लोगों का आज का, वो है स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशन, जिसमें आप जानेंगे थ्योरी क्लास में इससे रिलेटेड लॉजिक कॉन्सेप्ट और प्रोग्राम, और पूरी वीडियो में जो सीखेंगे वो भी आप जान लीजिए। हम लोग आज बनाएंगे एक प्रोग्राम जिसमें दो स्ट्रिंग को जोड़ेंगे और उसमें एक चीज ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्ट्रिंग से रिलेटेड जो भी काम है उसके लिए ऑलरेडी फंक्शन बने हुए हैं। मैं बार बार हर वीडियो में जो स्ट्रिंग से रिलेटेड उसमें आपको बताता हूं कि string.h नाम के हेडर फाइल में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको फंक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से कोई भी स्ट्रिंग से रिलेटेड काम करवा सकते हो। ठीक है, तो ये जो काम है कॉन्कैटेनेशन का, वो आप चाहो तो लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करके भी बना सकते हो। मैं आपको अगले वीडियो में लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करके बनाना बता दूंगा, लेकिन इस वीडियो में हम लोग लॉजिक का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा मानना है कि अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो अपने लॉजिक से अगर कोई काम करो तो वो ज्यादा आसान है। हाँ, ये सही है कि अगर आप लाइब्रेरी फंक्शन यूज करते हो तो आपका समय बचता है, आपका टाइम सेव होता है, लेकिन अगर हम बिगनर्स हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो हम लोगों को अपने लॉजिक पे भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, यानी लॉजिक से कैसे हमारा काम हो। तो आई थिंक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होइएगा कि क्यों लाइब्रेरी फंक्शन यूज करना चाहिए और क्यों नहीं लाइब्रेरी फंक्शन यूज करना चाहिए। दोनों का अपना एडवांटेज है। आज इस वीडियो में हम लोग जो प्रोग्राम डिस्कस करेंगे वो विदाउट लाइब्रेरी फंक्शन होगा, और अगली वीडियो में मैं आपको सेम प्रोग्राम को यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन, यानी लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करके बताऊंगा, तो आप इंजॉय करेंगे और सीखेंगे। उसके अलावा लॉजिक जानेंगे, क्योंकि बिना लॉजिक का तो होगा नहीं कोई प्रोग्राम, तो उस प्रोग्राम की लॉजिक क्या है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले। उसके बाद प्रोग्राम को थ्योरेटिकली समझते हुए प्रैक्टिकल क्लास में हम लोग इस प्रोग्राम को रन भी कराएंगे, जो कि आपके सामने होगा। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कॉमेंट करना, अगर वीडियो अच्छे लगेगा तो इसे लाइक और शेयर करते रहिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए हम लोग जान लेते हैं इस प्रोग्राम की लॉजिक, जो कि हम लोगों को स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जानिए कि स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशन होता क्या है। एक्चुअली कॉन्कैट मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक स्ट्रिंग को अपेंड करते हैं किसी दूसरे स्ट्रिंग के एंड में, मतलब पहले स्ट्रिंग को कॉपी करना है, फिर दूसरे स्ट्रिंग को उसके बाद कॉपी करके एक नया स्ट्रिंग बनाना है। मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ दो, जैसे गुड और मॉर्निंग, मान लो एक एग्जांपल लो कि एक गुड स्ट्रिंग है और दूसरा स्ट्रिंग मॉर्निंग है, और हमें क्या करना है कि दोनों को मिला के, यानी गुड के अंत में एंड में अपेंड करना है मॉर्निंग को और बनाना है एक नया स्ट्रिंग गुड मॉर्निंग के नाम से। तो ऐसा जो काम होगा, यानी स्ट्रिंग को जोड़ने का काम, एक नया स्ट्रिंग बनाने का काम, वो स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशन कहलाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक स्ट्रिंग हमारे पास है STC, जिसका वैल्यू मतलब जिसके अंदर जो कंटेंट है वो STC है, और दूसरा जो स्ट्रिंग है वो टूट्स है TUTS। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस दोनों स्ट्रिंग को जोड़ के एक तीसरा नया स्ट्रिंग बनाए जिसमें इस दोनों का कंटेंट अपेंड हो। ठीक है, तो उसके लिए कुछ स्टेप हम लोगों को फॉलो करना होगा, और उस स्टेप पे जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है डिक्लेयर थर्ड एरे ऑफ साइज इक्वल्स टू साइज ऑफ फर्स्ट एरे प्लस साइज ऑफ सेकेंड एरे। सेकेंड स्ट्रिंग या एरे, आप समझ रहे हैं कि स्ट्रिंग का मतलब कैरेक्टर एरे, ठीक है, जो कि ऊपर में आप दिख रहा है आपको। तो अगर जैसे यहाँ पे पहला स्ट्रिंग का साइज है 4, दूसरे स्ट्रिंग का साइज है 5, तो जो हमारा जो थर्ड स्ट्रिंग होगा उसका साइज होगा 8। आप इंडेक्स पे मत जाना, क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू होता है तो साइज से एक कम तक जाती है। अगर आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करें तो आपको 4 साइज मिलेगा यहाँ पे।
ये फाइव साइज है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से, और इसकी साइज टोटल नंबर ऑफ एट्स रखनी होगी तभी आप उसमें डाल सकते हैं, अदरवाइज वो अगर उस साइज से कंपेटेबल नहीं होगा तो आप डाल भी नहीं सकते हैं। तो पहला काम यही करना है स्टेप वन में कि जो तीसरा एरे बनाना है उसकी जो साइज होगी वो पहले और दूसरे एरे के साइज का क्या होगा, एडिशन होना चाहिए। स्टेप टू, कॉपी फर्स्ट स्ट्रिंग इन थर्ड स्ट्रिंग। करना क्या है कि ये स्ट्रिंग बिल्कुल खाली रहेगा जब आप इसको, तो आपको सबसे दूसरा काम जो स्टेप टू है वो है कि कॉपी कर लेना है पहले स्ट्रिंग को एज इट इज, ठीक है, और कंटिन्यूसली यानी जो मेमोरी रिमेनिंग मेमोरी बची हुई है यहाँ पे जो, उसमें क्या करना है सेकेंड एरे को कॉपी करना है, ठीक है। इंडेक्स बाई इंडेक्स चलना है, इसका भी जीरो इंडेक्स का वैल्यू यहाँ पे डालना है वन को, फिर ऐसे करके कॉपी करना है। और क्योंकि हम लोग इसको कॉपी करके बना रहे हैं तो यहाँ पे ये नल करेक्टर अपने आप अपेंड नहीं होगा, इसको आपको अलग से ऐड करना होगा, क्योंकि जब हम लोग इनपुट लेते हैं वहाँ इनपुट देने समय जब स्ट्रिंग लिख के इंटर करते हैं तो जो हमारा सी का कंपाइलर है वो ऑटोमेटिक उसमें नल करेक्टर डाल देता है स्ट्रिंग के एंड में, लेकिन यहाँ चूंकि आप कंकैटिनेट करके बना रहे हो, ये स्ट्रिंग खुद से बना रहे हो कॉपी करके बना रहे हो, तो वहाँ पे ये नल करेक्टर भी आपको डालना होगा। क्यों डालना जरूरी है, क्योंकि अगर इस स्ट्रिंग के ऊपर आप फर्दर कोई काम करते हो, सपोज इसे प्रिंट करते हो या इसके साथ कोई भी कैलकुलेशंस करते हो या कोई भी फंक्शन यूज करते हो, तो उस केस में ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर तो नल करेक्टर मिलेगा नहीं, क्योंकि ये लैंग्वेज के द्वारा तो तैयार किया नहीं गया है, आप खुद लॉजिक से कर रहे हो इसको, तो इस केस में आपको नल करेक्टर अपने तरफ से ऐड करना होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये तीन स्टेप फॉलो करके हम लोग क्या कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग को जोड़ के एक तीसरा स्ट्रिंग बना सकते हैं एक्चुअली, और ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। तो आई थिंक आप लॉजिक समझ रहे होइएगा, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्कैट नाम से, किसी भी नाम से आप बना सकते हो लेकिन मिलता जुलता नाम रखो तो ज़्यादा अच्छा है। और इस फंक्शन को तीन आर्गूमेंट चाहिए, एक तीन एक्चुअली स्ट्रिंग चाहिए इसे, दो स्ट्रिंग जिसको जोड़ना है और तीसरा स्ट्रिंग जो ब्लैंक होगा जिसको बनाना है। इस फंक्शन के अंदर जो हम लोग कोड करेंगे उसमें सबसे पहले दो इंडेक्स वेरिएबल चाहिए आई और जे, ठीक है, और उसको यूज करने के लिए सबसे पहले S1 को कॉपी कर रहे हैं और S1 को चला रहे हैं एक लूप में जब तक कि उसमें नल न मिल जाए। S3 में क्या करना है, J इंडेक्स पे S1 के I इंडेक्स वैल्यू को कॉपी करना है और I को भी बनाना है J को भी बनाना है, लेकिन इस लूप के खत्म होने के बाद I को फिर से हमने यूज किया है फॉर द सेकेंड स्ट्रिंग S2, इसलिए I को जीरो कर दिया है, लेकिन J हमारा कंटिन्यू चल रहा है, यानी S3 में J जहां तक पहुंच गया था S1 कॉपी करने समय उसी वहीं से उसी इंडेक्स से वो आगे बढ़ेगा और वहाँ पे हम लोग S2 को कॉपी कर रहे हैं S3 में। और ये काम भी हम लोग तब तक करेंगे जब तक कि S2 के जो हमारा स्ट्रिंग 2 है उसमें नल करेक्टर न मिल जाए, क्योंकि जीरो से शुरू किए हैं तो S2 हमारा जीरो से कॉपी होगा और S3 चूंकि कंटिन्यूअस J चल रहा है, J को हमने जीरो नहीं किया है तो कंटिन्यूसली जो मेमोरी चल रही है वहाँ पे S3 में कॉपी होता जाएगा और I और J को बढ़ाते रहेंगे जितनी बार एलिमेंट कॉपी होगा। और लास्ट में चूंकि मैंने बता भी दिया है आपको लॉजिक में, ये नल करेक्टर जो भी जे यानी S3 का जो भी लास्ट इंडेक्स होगा वहां पे आपको नल करेक्टर अपेंड कर देना है, वहां पे ऐड कर देना है, बस इतना सा काम करना है। तीन काम आपने मैंने बताया था आपको लॉजिक में कि S1 को कॉपी करो, S2 को कॉपी करो और S3 के लास्ट में नल डाल दो। तो ये काम है कॉन्कैट फंक्शन का, और इसको कॉल करने के लिए आपको तीन स्ट्रिंग डिफाइन करना होगा जो मैं यहाँ पे डिफाइन किया हूं, और दो स्ट्रिंग में इनपुट लेना है, उसके बाद कॉन्कैट फंक्शन को कॉल करना है जिसमें इस तीनों स्ट्रिंग को पास करना है और वहां से रिटर्न होने के बाद आपके पास तीनों स्ट्रिंग में वैल्यू होगी, उस तीनों स्ट्रिंग को प्रिंट कर देना है। जब ये तीनों स्ट्रिंग प्रिंट होगा और इनपुट होगा तो क्या आउटपुट आएगा उसको हम लोग एक्सपेक्ट कर लेते हैं। इससे पहले कि हम लोग आउटपुट मैं आपको बताऊं, आप इस प्रोग्राम को जरूर नोट कर लें, कहीं डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत लग रही हो तो आप कॉमेंट करें अभी इसी वक्त, नहीं तो आगे बढ़ें और इसके एक्सपेक्टेड आउटपुट को देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है। जरा आप भी सोचिए, पेन और पेपर उठाइए और इस प्रोग्राम को देखते हुए इसका आउटपुट बताइए, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं। तो चलिए, आई थिंक आपने कर लिया होगा एक्सपेक्टेड आउटपुट पॉज करके वीडियो को, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां जाएगा और उसमें वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने STC डाला है। उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग इनपुट मांगा जाएगा, चूंकि दो स्ट्रिंग के लिए गेट्स कॉल हुआ है तो टूट्स मैंने डाल दिया है सेकेंड स्ट्रिंग में, और उसके बाद तीन बार पुट्स कॉल हुआ है जिसमें पहला स्ट्रिंग HC, सेकेंड स्ट्रिंग टूट्स और तीसरा स्ट्रिंग STC टूट्स प्रिंट होगा, चूंकि इस दोनों को कॉन्कैट करके यहाँ पे आउटपुट दिखाना है। तो जिन लोगों का ये आउटपुट मिल रहा है आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशन,
क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन सही था, लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने आउटपुट फाइंड आउट किया है ये एक्सपेक्टेड आउटपुट है। इसका एग्जैक्ट ये प्रोग्राम काम कर रहा है कि नहीं, इसके लिए हम लोगों को चलना होगा प्रैक्टिकल क्लास में, और प्रैक्टिकल क्लास में जाके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोगों को एक प्रोग्राम बनाना होगा, और जो प्रोग्राम है स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशन का, जिसको हम लोगों ने अभी थ्योरी क्लास में डिस्कस किया है, और ये लॉजिक से हम लोगों ने बनाया है, इसमें हम लोगों ने कोई लाइब्रेरी फंक्शन यूज नहीं किया है। तो चलिए प्रैक्टिकल क्लास में चेक कर लेते हैं इस प्रोग्राम को। और इससे पहले कि हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में चले, अगर आप नए यूजर हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पे आए हैं और इस तरह की वीडियो आप पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगा ये वीडियो, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोर्स करनी है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप जुड़ेंगे और बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे तो आपको हर तरह की नई वीडियो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड होगी वो अपने आप आपको मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। साथ में अगर ये वीडियो पसंद आ रही है, बातें समझ में आ रही है, तो आप इसे लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को ये वीडियो पहुँचे। और अभी रुके रहे हैं, हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल क्लास में, जहाँ रन कराएंगे हम लोग स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशन का प्रोग्राम विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन, क्योंकि ये हम लोग लॉजिक से अपने खुद से बना रहे हैं, तो आप इसको समझें, देखें और खुद से प्रैक्टिस करें। तो चलिए प्रैक्टिकल क्लास में, वेलकम टू प्रैक्टिकल क्लास ऑफ दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं स्ट्रिंग को कॉन्कैटेनेट, यानी दो स्ट्रिंग को जोड़ के एक तीसरा स्ट्रिंग बनाने का प्रोग्राम विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन। मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया है कि इस काम के लिए, इस प्रोग्राम के लिए एक लाइब्रेरी फंक्शन भी है स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में, और जिसका यूज़ हम लोग इस वीडियो में जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें नहीं कर रहे हैं, यानी हम लोग खुद की लॉजिक से इसको बनाना चाहते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इस लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ करके भी बताऊँगा। तो अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, इस प्रोग्राम को लिखने और उसको रन कराने जा रहे हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो प्रोग्राम खुली हुई है, ये लेंथ निकालने का प्रोग्राम है, स्ट्रिंग लेंथ को देखने का, जिसमें हम लोगों ने लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करके पिछली वीडियो में मैंने बताया था, उससे रिलेटेड ये फंक्शन है, ये प्रोग्राम है। तो मैं उसी में चेंज करता हूँ, यहाँ पर इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे हटा रहा हूँ यहाँ से, है ना। और ऊपर में एक फंक्शन हम लोगों को डिफाइन करना है, चूँकि खुद का काम करना है तो इस हेडर फाइल की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल की ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे कॉन्कैट के नाम से, और इसमें हमें लेना है तीन स्ट्रिंग, दो जिसको जोड़ के और एक तीसरा जिसको बनाना है। तो तीन कैरेक्टर टाइप का एरे हमें यहाँ चाहिए, हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं एस वन तीनों एरे कैरेक्टर एरे से स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें जिसको हम लोग मेन से यहाँ भेजेंगे। अब इसी के ऊपर काम करना है, और इसके लिए हम लोग जैसा थ्योरी में डिस्कस किए लॉजिक में, सबसे पहले हम लोग एस वन के जितने भी एलिमेंट है उसको एस थ्री में कॉपी करेंगे, और फिर बचे हुए मेमोरी में एस टू के सारे एलिमेंट को कॉपी कर देंगे, इससे हमारा वो एक फाइनल स्ट्रिंग तैयार हो जाएगा एस थ्री के लिए। उसके लिए दो इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे आई इक्वल्स टू जीरो से आप शुरू करें, जे इक्वल्स टू जीरो से शुरू करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एस वन को कॉपी करेंगे, यानी एस वन का जो नल जब तक न मिले, एरे इंडेक्स आई नॉट इक्वल्स टू नल करेक्टर, यानी एस वन के लास्ट तक जाना है, इसके लिए ये लूप ले रहे हैं, और S3 में कॉपी करना है। S3 के लिए मैंने लिया है J इंडेक्स, क्योंकि J जीरो से शुरू होगा और पूरा, चूंकि पहले S1 का कॉपी होगा फिर S2 का कॉपी होगा, इसलिए J जीरो से शुरू किया जाएगा और लास्ट तक चलेगा। I को बीच में हम लोग चेंज करेंगे, I जब S1 की वैल्यू नल मिल जाएगी, है ना, तो फिर S2 के लिए हम लोग I को दोबारा यूज करेंगे, जीरो से शुरू करेंगे। यहाँ पे S3 J इक्वल्स टू S1 I, दोनों वेरिएबल को बढ़ा लेना है I++ और J++, ठीक है। अब ये काम हो गया, S1 की कॉपी हो गई S3 में, अब हम लोग को क्या करना है, S2 को कॉपी करना है। तो S2 के लिए भी जो हम लोग इंडेक्स लेंगे वो I लेंगे, इसलिए I चूंकि हमारा बढ़ चुका है, जीरो से आगे बढ़ गया S1 के लिए, यहाँ पे I को हम लोग फिर जीरो से शुरू करेंगे, ठीक है। और सेम काम होगा, केवल S1 के जगह पे S2 हो जाएगा, इसलिए इसको मैं कॉपी करके इसी को पेस्ट कर देता हूँ और चेंज कर देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये S1 के जगह पे हम लोगों को क्या लिखना है, S2,
वहाँ भी नल तक जाना है। S3 में जो J जहाँ से जहाँ तक काम किया था आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, इस लूप में ख़त्म होने के बाद भी J जहाँ तक काम किया था जस्ट उसके बाद से यहाँ शुरू करना है, इसलिए J को मैंने जीरो नहीं किया है, J कंटिन्यू चल रहा है। S1 के जगह पे S2 करना है और I को भी बनाना है और J को भी बनाना है। यहाँ पे लॉजिक के हिसाब से जो हम लोगों ने डिसाइड किया है प्रोग्राम में, अगर आपको याद होगा, तो जब S1 S2 दोनों को कॉपी कर देते हैं तो चूंकि S3 हम लोग कॉपी करके बना रहे हैं, जोड़ के बना रहे हैं, तो नल अपने आप अपेंड नहीं होगा, तो हम लोगों को लास्ट इंडेक्स जो J होगा उस लास्ट इंडेक्स पे हम लोगों को S3 जो स्ट्रिंग जो बना रहे हैं हम लोग वहाँ पे नल करेक्टर डालना ज़रूरी है। अदरवाइज जो आगे का काम होगा जैसे इसको डिस्प्ले कराना हो S3 को या इसके साथ कोई भी ऑपरेशन करना हो फर्दर, तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि नल करेक्टर होगा नहीं, तो पता ही नहीं चलेगा कि इंड कहाँ पे है, ठीक है, इसलिए ये मस्ट है। तो दो तीन काम हम लोगों को करना था, सबसे पहला काम करना था S1 को कॉपी करना था S3 में, फिर S2 को कॉपी करना था कंटिन्यूसली S3 में, और लास्ट में S3 के लास्ट इंडेक्स जो भी होगा वहाँ पे नल करेक्टर को अपेंड करना था, ठीक है। तो आई थिंक इतना काम हम लोग कर लेंगे। उसके बाद जो मेन काम है वो मेन में ही है, यहाँ पे हम लोगों को स्ट्रिंग लेना है, तीन स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है, मैक्सिमम साइज आप 25 या जो भी आपको समझ में आए वो रख लो, चूँकि कोई जरूरी नहीं है, ऑलरेडी हम लोग इतने वीडियो में देखे हैं कि अगर हमारा साइज स्ट्रिंग का या करेक्टर एरे का 25 है तो 25 करेक्टर ही डालना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, चूँकि हम लोग गेट्स और पुट्स मेथड यूज़ करते हैं और उसमें ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, जो भी वैल्यू हम लोग देंगे और जहाँ पे इंटर कर देंगे उतना वैल्यू वो उस स्ट्रिंग का हो जाएगा, बाद बाकी मेमोरी वो अनयूज्ड रहती है, मेमोरी ब्लैंक रहती है, उसको फर्दर हम लोग उसमें कोई दोबारा एंट्री कर सकते हैं। इंटर स्ट्रिंग फॉर गेट्स, इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग मैं यहाँ पे मैसेज में कर देता हूँ जिससे कि यूज़र को समझ में आए कि पहला स्ट्रिंग डालना है, है ना, और इसको पुट्स करने से पहले दूसरे स्ट्रिंग का भी इनपुट मैं यहाँ पे करा लेता हूँ, जस्ट चेंज द मैसेज, कट कॉपी पेस्ट, मिलता जुलता काम है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें समय आपका नष्ट होगा, बर्बाद होगा, उससे अच्छा है कि आप कट कॉपी करो अगर सिमिलर है। हाँ, थोड़ा सावधानी रखना, कट कॉपी पेस्ट में थोड़ा ये प्रॉब्लम हो जाती है, अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, अच्छे अच्छे लोग जिनको अगर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो उनको अवॉइड करना चाहिए, जो बिगिनर्स हैं उनको लिखने में ज़्यादा विश्वास करना चाहिए, अदरवाइज़ कट कॉपी पेस्ट करने में बहुत सारी चीज़ चेंज नहीं हो पाती है जो कि एक बड़े एरर में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आपको एरर हैंडलिंग में नहीं हो पाता, आपसे एरर ठीक नहीं कर पाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि फ्रेश टाइपिंग करें, अदरवाइज़ कट कॉपी पेस्ट समय तो बचाता ही है। यहाँ पे दो स्ट्रिंग हम लोगों ने क्या किया, इनपुट लिया S1 S2 में, अब यहाँ पे कॉन्कैटेनेट मेथड को कॉल करना है, और जैसा कि आपने देखा है उसका जो आर्गुमेंट है उसमें आपको तीन स्ट्रिंग पास करने हैं, तीन कैरेक्टर एरे यहाँ हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, S2 ST1 ST2 और ST3, और अगर आप कॉन्कैटेनेट कॉन्कैट फंक्शन अभी देखे हैं वहाँ पे S1 S2 को यूज़ करके S3 बनाना है ST3, तो वो वहाँ से बन जाएगा। और यहाँ पे प्रिंट करने समय हम लोगों को फिर वो देखना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये चीज़ मेंशन कर दें जिससे कि यूज़र को समझ में आए कि कौन सा स्ट्रिंग फर्स्ट था कौन सा स्ट्रिंग सेकंड था, और चूंकि सबको बिल्कुल वैसे ही प्रिंट करना है तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कट कॉपी पेस्ट वापस कर रहा हूँ। चलिए फर्स्ट के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ ST1 करना है, मैसेज में कोई चेंजेस नहीं करने, यहाँ पे सेकंड करना ज़रूरी है, ठीक है, फर्स्ट को हटा के सेकंड कर लीजिए, यहाँ पे ST2 कर लीजिए। ये तीसरा स्ट्रिंग है जिसको हम लोगों को बनाना था, जिसके लिए प्रोग्राम हम लोग तैयार कर रहे हैं, ये है थर्ड स्ट्रिंग, ठीक है, जो कि ST1 और ST2 को मिला के बनाया गया है, ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, आई थिंक आप समझ रहे होंगे जो हम लोगों ने टाइप किया है। तो चलिए जो प्रोग्राम हम लोग लिखे हैं उसको चेक कर ले कि कंपाइल टाइम एरर है या नहीं, यहाँ पे दो एरर है उसको ठीक कर लेते हैं। सबसे पहला एरर है अनडिफाइंड सिंबल ST2, तो यहाँ पे हम लोग ST नहीं डिफाइन किए, यहाँ आप देखिए गलती हम लोगों से हुई है, यहाँ पे इसको ST कीजिए ST2 और इसको भी ST3 कीजिए। चलिए अब कोई एरर नहीं है, अब एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग,
पहला स्ट्रिंग डालते हैं एस टी सी, कुछ भी डाल सकते हैं आप, बहुत लंबा चौड़ा हमारा स्ट्रिंग है, 25 का लेंथ है, उसमें आप डाल सकते हैं टी यू टी एस, ठीक है। अब तीसरा जो हमारा स्ट्रिंग बन रहा है वो है एस टी सी टूट्स। तो आई थिंक आप समझ में आ गया होगा आपको कि व्हाट इज कॉन्कैटेनेशन, स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशन क्या होता है, दो अलग अलग स्ट्रिंग को जोड़ने का ये तरीका है, प्रोसेस है, और इसको दो तरीके से किया जा सकता है, मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया है, एक लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करके जो स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में है, और दूसरा अपना लॉजिक, अपना खुद का लॉजिक भी आप यूज कर सकते हो। तो ये जो वीडियो है अभी जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं ये था अपनी लॉजिक यूज करके, अगली वीडियो में मैं आपको लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करके कॉन्कैटेनेशन बताऊंगा। आई थिंक आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी, तो मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बने रहें हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस, कीप प्रोग्रामिंग, थैंक यू, बाय बाय।